जहां एक ओर देश के लोग कोरोना महामारी से एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे ही एक घटना गाजियाबाद की एक महिला प्रोफेसर के साथ घटी। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला डॉक्टर की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। मृतक महिला से संबंधित एक फर्जी पोस्ट वायरल किया गया। पोस्ट में कहा गया कि कोविड-19 के इलाज में लगी इस महिला डॉक्टर की मौत हो गई है। पोस्ट में जो फोटो लगाया गया वो पोस्ट वैशाली की रहने वाली प्रोफेसर वंदना तिवारी का गया। फोटो पर बकायदा माला भी चढ़ाई गई है। पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। प्रोफेसर वंदना तिवारी ने जब खुद इस पोस्ट को देखा तो वो काफी परेशान हो गई और थाने में जाकर उन्होंने इसकी शिकायत की। पुलिस को उन्होंने बताया कि वो जिंदा हैं। पीड़ित महिला प्रोफेसर वंदना तिवारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे पोस्ट ने बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दी है। आपने तो श्रद्धांजलि लिख के अपने काम की इतिश्री कर ली। आपको लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उससे किसी जीते जी व्यक्ति की श्रद्धांजलि होते होते बच गई। वो व्यक्ति मानसिक रूप से मैं इतनी अधिक पीड़ित हुई हूँ कि मैं इसका बयान आपके समक्ष करने की स्थिति में अभी फिलहाल तो नहीं हूँ। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है, मीडिया बंधुओं का फिर से एक बार तहे दिल से आभार, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए फिर से एक बार यही एक कहना कि कृपया सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को, किसी भी ट्वीट को करने के पहले पूरी तरह आप अच्छे से उसको पढ़ लें, उसके बाद ही उस पर कुछ शेयर करें या उस पर कोई कमेंट करें। इस फर्जी पोस्ट को रोकने के लिए वंदना ने अपनी तरफ से कई प्रयास भी किए। खुद खोजबीन कर इसे वायरल करने वाले लोगों और ग्रुप से उन्होंने इस पोस्ट को वायरल ना करने को कहा और उन्हें अपनी फोटो इस फर्जी पोस्ट के साथ ना लगाने के लिए कहा, लेकिन ये पोस्ट वायरल हो गया। इस पोस्ट को कई हजार लोगों ने देखा और कई अलग अलग जगह से पोस्ट घूमकर उन तक पहुंच रहा है। पीड़ित वंदना के साथ साथ उसका परिवार और करीबी भी परेशान हैं। इसके बाद डीजीपी यूपी और उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। मैं वंदना तिवारी इंदौर की नहीं हूँ, ये तो सबको पता है, इसलिए लोगों को ये लग रहा था कि आखिर में ये ऐसी बात हुई कैसे। फिलहाल मैंने अब पूरी तरह से परेशान, मैं कल तक पूरी तरह से परेशान। मेरे हस्बैंड ने फिर ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर एक बार ट्वीट करते हैं। उन्होंने खुद और मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को ट्वीट किया कि मैं वंदना तिवारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के NCVB में प्राध्यापिका हूँ। मैंने फेसबुक पर भी इस बात को लिखा कि मुझे कोई कोविड नहीं हुआ, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो कृपया आप मेरी फ़ोटो को हटा लीजिए वहाँ से और इस पोस्ट को यहीं पर रोक दीजिए। ट्विटर पर ट्वीट करने का मेरे साथ मतलब इतनी ट्विटर से मुझे बहुत सहायता भी मिली इस काम में। बहुत सारे मीडिया बंधुओं ने, पत्रकारों ने उसको देखा, उसको रीट्वीट किया। मतलब मैं क्या कहूँ, जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो मुझे वो सहारा दिखाई देने लगा कि अब मेरी बात शायद लोगों तक पहुँच जाए और ये फोटो जो इतनी तेजी से वायरल अभी भी हो रहा है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाए। इसी सोच के साथ ट्विटर को मैं लगातार देखती रही और अंत में जब मैं थक गई, मैंने पर्सनल भी लोगों को मैसेज किए थे। इतना यही नहीं, मैंने पर्सनल कहा था लोगों से कि मैं वंदना तिवारी हूँ, आप लोग रिप लिखने के पहले, श्रद्धांजलि लिखने के पहले, शत नमन लिखने के पहले देख तो लो कि किसके फोटो पे कर रहे हो। मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है, मैंने ये बात लिखी थी, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया के दौड़ में अंधे लोगों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही थी कि इसके कारण किसी को बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा पहुंच रही है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ कृपा शंकर झा, UP तक।